दोस्तों, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ होता है या जो लोग हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर एक बहुत कॉमन ये कन्फ्यूजन होता है कि उनको नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। जहाँ कुछ ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें ये कहा जाता है कि ड्राई फ्रूट्स या नट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, इनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वहीं कुछ ऐसी रिसर्चेज भी अवेलेबल हैं, कुछ ऐसी स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं जो इसके उल्टी बात करते हैं। यानी वो बताते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो इनफैक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या ड्राई फ्रूट्स वाकई में आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बुरे हैं या ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं? आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे इसी बात की पड़ताल करने की और आपको बताएंगे रिसर्च के हवाले से और साइंटिफिक स्टडीज़ के हवाले से कि क्या हार्ट हेल्थ के लिए ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं या बुरे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी डिटेल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें बताऊंगा वो सब की सब रिसर्च पर बेस्ड हैं और आप चाहें तो मेरे जितने भी दावे हैं, जितने भी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको आप खुद भी गूगल पर सर्च करके चेक कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हैं वो ऑलरेडी सब नेट पे पब्लिश्ड हैं, NCVI की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं और इस बात को मेक श्योर कर सकते हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं वो सच है या गलत। देखिए, रिसर्च ये बात साबित कर चुकी है कि नट्स या ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ड्राई फ्रूट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं और इसके अलावा दूसरे बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है नट्स या ड्राई फ्रूट्स के अंदर और वो ये है कि ये कैलोरी काउंट में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में इनको शामिल करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप इसका जो पोर्शन है वो लिमिट में रखें। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि मेरा हार्ट के लिए ये चीज़ अच्छी है तो मैं उसे खूब सारा खा लूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स को लेना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, आपका वेट भी उससे गेन होगा और आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स के लिए भी ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको मॉडरेशन में लेते हैं, लिमिट में लेते हैं, तो ये बात पूरी तरह से साबित है कि आपके हार्ट हेल्थ के लिए ये बेनिफिशियल है, बुरा नहीं है। यहाँ एक बात आपके लिए मैं और क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये नहीं कहा गया कि आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही लें अपनी डाइट में और ये आपकी सेहत के लिए और आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जितनी भी स्टडीज़ की गई उनमें ड्राई फ्रूट्स को आपकी टोटल बैलेंस्ड डाइट का एक पोर्शन माना गया। यानी आपकी जो भी बैलेंस्ड डाइट है उसके अंदर सब्जियां भी हैं, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है या व्हाटएवर जो भी एक बैलेंस्ड डाइट के अंदर शामिल होती हैं चीज़ें, उसका सिर्फ एक पार्ट है, उसका सिर्फ एक हिस्सा भर है ये ड्राई फ्रूट्स। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट खाने से ही आपको सब कुछ हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ओवरऑल हेल्थ, आपकी वेलबींग, आपका लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज, आपकी डाइट सब कुछ अपना पार्ट प्ले करेगी और ये ड्राई फ्रूट्स जो हैं ये अलग अपना पार्ट प्ले करेंगे। तो हमारी हेल्थ जो है वो इतनी सिंपल नहीं है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड हो जाएं, हम सोचेंगे सिर्फ ड्राई फ्रूट लेने से ही हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो अच्छी हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। ये एक पार्ट है पूरी इक्वेशन का और उस पूरी इक्वेशन को जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे, यानी उस सभी चीज़ों को जब तक हम एक जगह इकट्ठा करके अपनी लाइफ में जमा नहीं करेंगे, अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारी हार्ट हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं होगी। अब बात आती है कि ड्राई फ्रूट्स खाने से आपकी हार्ट हेल्थ पे क्या असर पड़ता है और इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। देखिए, रिसर्च से ये बात साबित है कि 4 बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप ड्राई फ्रूट्स को लिमिट के साथ अपनी डाइट में शामिल करते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलेगा कि आपके जो ब्लड के अंदर LDL है यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका ट्राइग्लिसराइड जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो हार्ट से रिलेटेड इन्फ्लामेशन होता है उसको कम करेगा। तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपकी जो आर्टरीज होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके अंदरूनी जो झिल्ली होती है उसको हेल्दी बनाता है। वहाँ पर जो प्लैक फॉर्मेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है या थक्का जम जाता है या एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, इन चीज़ों को ये कम करते हैं। चौथा और आखिरी जो बेनिफिट है वो ये कि आपके ब्लड के अंदर क्लॉट्स बनने को जो नट्स हैं वो रोकते हैं। यानी ब्लड के अंदर क्लॉटिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में नट्स को या ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं। तो ये चारों पॉइंट्स अगर आप कलेक्टिवली देखें तो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं।
कलेक्टिवली अगर आप इनको एक दूसरे से जोड़ें तो आप ये देखेंगे कि आपकी अंदर जो हार्ट अटैक का ख़तरा है या हार्ट रिलेटेड दूसरी बीमारियां हैं, एंजाइना है या प्लैक फॉर्मेशन है या फिर अंदर थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस हैं यानी खून जमने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें नट्स खाने से कम हो रही हैं। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि नट्स खाने से आपकी हार्ट हेल्थ को नुकसान हो, जैसा कि कई जगह मैंने देखा भी है और सुना भी है। बहरहाल इस बात को अलग रखते हुए, अपने आप को कंट्रोवर्सी से अलग रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नट्स या ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो ये बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। तो चलिए देखते हैं नट्स के अंदर पाई जाने वाली कुछ बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें जो आपके हार्ट हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। दोस्तों नट्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होती हैं। फॉर एग्जांपल नट्स के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स और मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही चीज़ें आपकी बॉडी से LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के काम आती हैं। इसके साथ साथ नट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। फिशेस के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप फिश नहीं ले सकते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बचता है नट्स का या ड्राई फ्रूट्स का। अखरोट के अंदर स्पेसिफिकली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप अखरोट को ले सकते हैं ओमेगा 3 के लिए, ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के अंदर L-आर्जिनिन पाया जाता है। L-आर्जिनिन जो होता है ये आपकी जो आर्टरी की वॉल्व हैं यानी जो नसें होती हैं उनकी दीवारों को लचीला बनाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है ड्राई फ्रूट्स के अंदर। फाइबर आपकी बॉडी के अंदर फैट के अब्जॉर्प्शन को कम करता है और आपको जो है डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में विटामिन ई भी पाया जाता है। विटामिन ई जो होता है ये भी आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और आर्टरीज की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो आर्टरीज की इंटीनर वॉल्स होती हैं उस पर प्लैक फॉर्मेशन नहीं होने देता है विटामिन ई। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ये जितनी भी चीज़ें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स के अंदर आपको मिल रही हैं ये आपकी ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए यानी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ड्राई फ्रूट्स आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बुरे नहीं हैं बल्कि अच्छे हैं। अब बात आती है कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको कितना नट्स सेफली लेना चाहिए, कितने ड्राई फ्रूट्स आप सेफली अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर रिकमेंडेशंस की माने जाएँ तो एक हफ्ते में आपको मैक्सिमम 3 सर्विंग्स लेनी चाहिए नट्स या ड्राई फ्रूट्स की, और ये सर्विंग्स भी जो हैं आपकी मॉडरेशन में होनी चाहिए। ये 2 औंस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए यानी एक बार में 2 औंस, 1 औंस में होते हैं करीब 28 ग्राम यानी एक बार में आप रफली माने तो 50 ग्राम से ज़्यादा नट्स आपको नहीं लेने चाहिए। तो दोस्तों आपने जाना कि अगर आप मॉडरेशन के साथ लिमिट के साथ अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को शामिल करते हैं, उनको खाते हैं एक हफ्ते में करीब 3 बार, तो ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई नुकसान की बात नहीं है बल्कि आपके हार्ट हेल्थ और आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छी चीज़ है। ड्राई फ्रूट की कौन सी किस्म आपको लेनी चाहिए, आपको पिस्ता लेना चाहिए या बादाम लेना चाहिए या चिलगोज़ा लेना चाहिए या अखरोट लेना चाहिए, ये भी एक बहुत कॉमन सा सवाल है जो लोग पूछते हैं आमतौर पे। मेरे हिसाब से ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसको ले सकते हैं। मोर और लेस सभी ड्राई फ्रूट्स में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें पाई जाती हैं और मोस्टली जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनके अंदर कॉमन इन्ग्रीडियंट्स भी पाए जाते हैं। अगर आप बात करें ज़्यादा हार्ट हेल्दी ड्राई फ्रूट्स की तो उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा बादाम और अखरोट। ये दोनों ही चीज़ें आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इन दोनों ही चीज़ों को ज़्यादा अच्छा है कि आप रात को सोते समय पानी में भिगोकर और सुबह उसको यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप रात को नहीं भी भिगोते हैं ऐसे भी ले लेते हैं तो उसमें भी कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें भी कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है आपके लिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा और ये वीडियो आपके किसी ना किसी काम ज़रूर आएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और इससे आपने कुछ नया सीखा तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाले समय में हम जितनी भी वीडियोस बनाएं वो आपको समय रहते देखने को मिल जाए। चलिए इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे एक नए इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।